फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक बहुत ही खास निमंत्रण आया है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती के जागरण का निमंत्रण लेकर भाई आए हैं। ये भैया हैं नीमखेड़ी से और वहाँ पे हर साल जागरण होता है माँ भगवती का, विशाल जागरण, और अब की बार जो है निमंत्रण हमारे पास भी आया है। तो भाई, सौभाग्य ये है हमारा कि देखो चार भाई आए हैं। तो ये हर साल होता है जी जागरण? अच्छा, तो 7 सितंबर का रात का है जी। जी, तो कैसे कैसे प्रोग्राम रहेगा कुछ बताओ। प्रोग्राम तो रहता है जी, पूरे गांव का सहयोग होता है इसमें, और सिंगल, बड़े बड़े सिंगल, जैसे कुछ सिंगल मुंबई से, सुमित्सैनी मुंबई से आए हुए हैं, चुलका नाम से राजवंश जी, अच्छा, अपर्णा मिश्रा जी और नरेश पुनिया जो है वो म्यूजिशियन है, और ये जो साउंड है हमारा वो चंडीगढ़ से चल के आएगा। अच्छा, तो देखो जो कलाकार आएंगे उसमें जागरण में और जो जगराता करेंगे, भैया ने उनके नाम बताए हैं, तो एक बार अपना अपना नाम भी बता दो। मेरा नाम मनोज सैनी। मनोज सैनी नीमखेड़ी से? नीमखेड़ी। तो भैया भी नीमखेड़ी से हैं, ये भी नीमखेड़ी से हैं। जी, मेरा नाम सुधर सैनी है जी। आपका नाम? मेरा नाम निखिल सैनी। निखिल सैनी। आपका? मेरा नाम तुषार सैनी। तुषार सैनी। तो भैया ये आए हैं, नीमखेड़ी गांव पड़ता है बुढ़ाना से कांधला रोड पे, और थोड़ी सी दूर ही है जाकर के। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो आने के इच्छुक हैं, उनके लिए निमंत्रण है और उनका स्वागत भी है, तो वो धर्म लाभ उठा सकते हैं। 7 सितंबर की रात में ये माँ भगवती का विशाल जागरण है, वहाँ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम भी आपसे वहीं मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। तो भाई, ये निमंत्रण है, ये सहर्ष स्वीकार है, और ये निमंत्रण जो है एक बहुत ही खास है, क्योंकि ऐसे धार्मिक आयोजन का तो भाई किसी किसी को किस्मत से ही मिलता है, बाकी तो सबको जन्मदिन पार्टी के तो मिलते ही रहते हैं। तो जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस लायक हमें समझने के लिए, और हम वहाँ पे अपनी उपस्थिति बिल्कुल समय से दर्ज कराने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइस, आज दिन है शनिवार का और सुबह के बज चुके हैं 9:30। मैं आ गई थी घेर में, तो कपड़े धोऊंगी यहीं पे बैठ के, थोड़ी सी हो रही थी बूंदा बांदी, तो मैंने सोचा यहाँ पे हवा भी लग रही, गर्मी का आलम, बहुत तेज़ गर्मी है। और अभी गुड्डू के पापा गए हैं स्कूल में, चिंकी का फ़ोन आया था सुबह के टाइम, वो पहन के गई वाइट ड्रेस, जो उसने अपना कुर्ता सिलवाया था वाइट और जीन्स के साथ में। पहले बोल दिया कि उसे जो है गाय माता बनना, पता नहीं किस तरीके से बनाओगे भाई ऐसे कपड़े पहना के, और फिर बोले कि उसे राधा बनना। अब उसकी दूसरी ड्रेस देने के लिए गई है, स्कूल से फ़ोन आया था चिंकी का, और कुछ ज्वेलरी वगैरह जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो वाली, तो वे बोले कि मैं 9:30 तक बेटा पहुंचा दूंगा, तो वे पहुंच गए होंगे। और भाई माँ को कल लेने के लिए जाएंगे, कल संडे है, और आज जो है उनका वो पूजा पाठ का सारा काम जो है अच्छे से पूरा हो चुका है, संपूर्ण हो चुका है भगवान जी कृपा से। तो पूजा पाठ भी मैंने दिखाई है अपने व्यूवर्स को, ऐसा नहीं है, आप पूरा वीडियो देख के ध्यान से, क्योंकि वहाँ पे भीड़ रहती थी ज़्यादा टाइम, वहाँ पे जो भगत जी होते हैं वो रुकने नहीं देते एक जगह पे, और उससे पहले भी दिखाया है पूजा पाठ का तरीका। और ढोल जो है, ढोल इसमें बहुत ज़्यादा मान्यता होती है, इसकी पूजा में ढोल ज़रूर बजाया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा सब लोग जो हैं अपना नृत्य भी करते हैं, मतलब उसकी ढोल की जो थाप होती है ना, उसकी गूंज अलग ही होती है, हर कोई जो है उस पर ऑटोमेटिकली अपने आप नृत्य करना शुरू कर देता है, उस पर रुके नहीं जाता। मेरे पास पता नहीं, मैंने भी थोड़े से हाथ पाँ हिला लिए थे, देखो देख हम देख, तो बहुत मन लगता है इस पूजा पाठ में। पूरे विधि विधान से जो है ये पूजा पूरी हो चुकी है, रात में रात जगी थी, जैसे छोटा सा एक जागरण होता है ना, रात जाग के सोले गाए जाते हैं उसमें पूजा में बाद में कंदूरी के, तो वो था रात में, लेकिन हम बच्चों की वजह से रुक नहीं पाए, बच्चों को स्कूल में भी जाना था, तो वही अब जो है कल लेकर आएंगे माँ को। माँ ने सेवा ले रखी थी ना, तो पूरा टाइम वहीं पर रहना था उन्हें, नहीं तो कल आ जाती है अगर, मतलब जो पूरी हो जाती पूजा पाठ, तो आज सुबह तक होगी, फिर जो है कढ़ाई बन के प्रसाद वितरित होगा, तो हम लोग तो रुक नहीं पाए थे, तो चलो भाई अभी जो है कपड़ा धोना स्टार्ट कर देते हैं, बोझ ही है यहीं पे। मौसम तो कई दिन से हो रहा, ये देखो आसमान में घने बादल भी हैं, लेकिन बारिश हो नहीं रही, गर्मी हो रही, फूल तो बहुत आ रहे तोरी के, तोरी तो बहुत आ रही, तोरियों मतलब छग्गे फूल तोरियों के नज़र आ रहे, उस साइड में भी और इस साइड में भी, इसे बोल रहा था मैंने छोड़ने के लिए, मैं उधर से निकाल दो, इतनी का क्या करना हमें, बाकी और सब्जी आ जाएंगी, लेकिन अभी निकालने का टाइम नहीं लगा, और आज लगेंगे अपनी इस किचन गार्डन में, कुछ पौधे भी लेके आएंगे और इसकी साफ़ सफाई भी करेंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा घास है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। और देखो यहाँ पे ये जो गोभी लगाई थी ना, इनकी पत्तियों में छेद कर दिए कीड़ों ने, और वहाँ पे एक गोभी पे ये देखो तितली, तितली बैठी हुई है, कितनी सुंदर लग रही, तितलियाँ बहुत आती हैं यहाँ पे किचन गार्डन में, लगी पड़ी हो तो अपने काम पे, खाना खाने के। तो चलो भाई अभी जो है
धो लेते हैं कपड़े और शाम के टाइम देखेंगे इसे अपने किचन गार्डन को। जो वाइट वाले बैंगन है ना उसमें सबसे ज़्यादा कीड़े हुए हैं और जो ग्रीन वाले बैंगन है उसमें कीड़े नहीं है बिल्कुल, ये एकदम स्वस्थ है। एक टब पानी का भर लिया, एक बाल्टी भर ली और ये पाइप भी छा लिया। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो रही थी, इस मिट्टी की भी धुलाई हो जाएगी। इधर से आवे ना, अब इधर से थोड़ा सा नीचा करवाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये मिट्टी यहीं पे चिपकी रहे और उधर फर्श पे भी पैर लगे के जावे, सारी मिट्टी मिट्टी हो जाए सारे बरामदे में भी। तो भाई अभी बज गए 10 और अब बारी आती है भाई इसे साफ करने की, क्योंकि भाई साफ सफाई भी चाहिए। कई दिन हो गए इसे चलते हुए, तो भाई अंदर से भी काफ़ी गंदी हुई पड़ी है यार। बालक बच्चे रहे ना मेरे साथ में, तो भाई थोड़ी सी गंदी अंदर से भी हो रही है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी हो रही है। तो आज इसके मैट वैट भी धो देता हूँ निकाल के, सब साफ करूँगा और इसे धो के खड़ी कर दूँगा। और जब चलते हैं ना फिर एकदम रेडी मिलती है, नहीं तो पता कुछ नहीं किस टाइम चलना पड़ जाए। तो मैं जो है इसको बिल्कुल साफ कर दूँगा। पीछे वाले मैट भी हैं ये देखो, काफ़ी धूल मिट्टी हो रही है। तो गाड़ी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए और इसे मैं साफ़ सुथरी रखने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो मैंने थोड़ी सी आगे कर लिया गैलरी से ताकि पानी जो है अंदर न जाए। तो सबसे पहले निकाल लूँगा इसके मैट, यहाँ से भी देखो, बच्चों की बात नहीं है यहाँ से भी भाई, जुक तो मैं हो ही जा जब चलावे ना, तो क्लच ब्रेक के पास भी जो है ना काफ़ी मिट्टी जमा हो जा। और इसने कपड़े धोने का कर दिया है, यहाँ पर प्रोग्राम शुरू। मौसम जो है ऐसा ही हो रहा, अंदर डालने कभी भी पड़ सकते हैं कपड़े सूखने के लिए, तो इसलिए जो है यहाँ पे धुलाई चल रही। और कई दिन के इकट्ठे हो रहे ना, और जब कई दिन के इकट्ठे करके धोए ना कपड़े, काफ़ी मशक्क़त इनमें करनी पड़े भाई, काफ़ी मेहनत का काम हो जाए। पाइप लगाई है भाई पहले, ये पाइप है देखो धोने का, एकदम ईजी रहता है, काफ़ी लंबा चला जाता है ये, वहाँ तक भी चला जा सड़क तक। अगर सड़क में बाहर खड़ी करके धोए ना गड्डी तब भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक भी पहुँचा। और अभी इन्होंने पहले तो मिट्टी साफ करी, फिर पायदान साफ करे, अब लग रहा है इस पर शैम्पू का कपड़ा बिल्कुल चमका देंगे जब कहीं जावे ना, तो ये बिल्कुल साफ की साफ मिले हैं। और ये इतना वो करके आवे, इतने शैम्पू सूख जा, उतर जाएगा ये सारा। अच्छा टंकी चला दो भाई, और फिर टंकी की जरूरत मुझे पड़ेगी क्योंकि ये वाली टंकी तेज चले यहाँ से, बाकी सारी टंकी बहुत आराम आराम से चले। नमस्ते बेटा, आ गए हैं बच्चे स्कूल से और मैं भी आ गई थी कपड़ों की धुलाई करके, जैसे कि आज राधा बनी थी। ओ माय गॉड, सर्टिफिकेट। नमस्ते बेटा, कहीं पे भी नहीं, माँ को ले जाइए। थैंक यू जन्माष्टमी थर्ड। अच्छा झांकी है, थैंक यू नहीं है, झांकी झांकी फर्स्ट पोजीशन किसकी, फर्स्ट थर्ड सेकंड भगत। आज ये थर्ड आई थी, उस दिन ये फर्स्ट आई थी, कोई बात नहीं। सही खाना बना के हटी तो देखो कितनी तेज बारिश आ गई, नीचे से सारा सामान संगवाया। अभी 3 बज गए थे और मैं खाना बना के हटी थी, दाल बनाई थी खाने में, अभी लेके आई। और इससे पहले नीचे का सारा सामान ढका और चाचा जी तो अभी बारिश में घूम रहे, पशुओं का चारा करने का टाइम हो रहा ना, पानी अट रहा होगा वहाँ, तो वो हटा रहे हैं वहाँ से ईंटे। फिर दौड़ी दौड़ी घेर में गई, सारे कपड़े चार पाई पर डाल के आई। बारिश आई थी लेकिन थोड़ी देर के लिए, अभी पानी भर गया। हाँ और ट्रैक्टर पे बैठा पर टूट जाए तो ऐसे ना बैठे इस पर, और ये भी फिर रहे तो हाँ, तीनों की तिकड़ी फिर रही बारिश में नाचती है। देखो ट्रैक्टर पे बैठा पापा जी आगे से है नहीं आइटम ही पूरा, और ये देखो ये यहाँ पे जल भराव होने लगा हमारे घर में, तो यहाँ पे ऊंचा करवाना पड़ेगा, सड़क ऊंची हो गई। वैसे तो नाली में पानी चला जा लेकिन जब बारिश हो ना ओवर फ्लो हो जा तब देखो घर आंगन में पानी गर्म लगा, और ये ख़राब है घर में, तो इसे सही करवाऊंगा भाई। जन्माष्टमी की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और सबसे पहला काम होता है मिठाइयों के लिए मावा निकालने का। तो आप यहाँ देख सकते हैं चढ़ गई कढ़ाई और डाल दिया उसमें दूध, ना कि हल्दी नून मिर्च मसाले और तेल। अभी से लगातार चलाते रहेंगे। रोजाना तो यही डलता है कि डाल दिया है तेल, चढ़ा दिया कढ़ाई, डाल दिया तेल, उसमें डाला जीरा, अभी डाल देते हल्दी नून मिर्च मसाले। तो भाई आज चढ़ा दी कढ़ाई में दूध डाल दिया है और इसमें लगेगा बहुत टेम। और एक फैक्ट और बता दूं भाई, गाय और भैंस के दूध में ये फ़र्क होता है कि गाय का दूध थोड़ा सा पतला होता है, भैंस का दूध गाढ़ा होता है, ये तो खैर सबको पता ही है, फिर भी मैं बता ही दूं।
और इसमें मावा भी कम ही निकलता है, जैसा कि दूध पतला होता है तो मावा भी कम ही निकलता है, भैंस के दूध में ज़्यादा निकलता है, ये भी सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता ही दूँ। इसमें कितना मावा निकलेगा? तो ये लगभग कितना दूध होगा? 5 लीटर तो ज़्यादा ही होगा। 5-6 लीटर दूध होगा, और अनुमान तो जो होता है 5 लीटर में 1 किलो निकलने का होता है मावा भैंस वाले दूध में। गाय वाले दूध का भी आज अंदाजा हो जाएगा, काफ़ी दिन हो गए निकल रहे गाय के दूध का मावा। तो ये तैयारियाँ इस तरह की शुरू करनी पड़ती है पहले ही। तो यहाँ पे इसने गुस्से रख लिया, ईंधन रख लिया, लकड़ी भी लगा ली, क्योंकि इसमें फ्लेम बोले तो आँच, आँच जो है वो तेज सी चाहिए होगी। फाइनली मावा बन के तैयार हो गया है दूध से, बड़ी मशक्कत लगी, लकड़ी भी पूरी जल गई, थोड़ी सी बच रही। गाय के दूध में बहुत टाइम लग गया था, तो कितना ही सारा, लेकिन आधी किलो से ज़्यादा तो ये फिर भी बन के तैयार हो गया। 5:30 बजे बनने पूरा चूल्हा जला लिया था, अभी 7:30 बज गए, इतनी देर में निकला देखो। और जब से मैं यहीं पर बैठी एक बार उठी बस, और इसे लगातार चलाई जा रही है। और चिंकी कह रही क्या क्या बनाओगे, मगर इसके कई सारे आइटम थोड़ा बन जाएंगे। चलो भाई मावा तो हो गया बन के तैयार, अब रखते हैं दूध गर्म करने के लिए। तो गाइस अभी 12:11 हो गए हैं, यानी कि नेक्स्ट डे लग गया है 25 अगस्त, और ये हमारे लिए बहुत खास दिन है भाई, बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। मैं बता दूं क्यों है बड़ा दिन, इसका लग गया है भाई जन्मदिन। जन्मदिन बहुत मुबारक हो भाई हमारे कान्हा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। कल की जन्माष्टमी होती तो दोनों का बर्थडे एक साथ ही होता है एक ही दिन का फर्क है बीच में बस। तो भाई हैप्पी बर्थडे हमारे नंदनी बेटे, सबके फेवरेट। और पहले कहा था इसने 3 लेयर, लेकिन टाइम के अनुसार इसकी 5 लेयर होगी केक वाली। अरनू कह रही पापा जी मेरे दौरे सो जाइयो, जब मैं आपके पास सोऊं ना तो मुझे ना बहुत दिखते नहीं, बुरे सपने नहीं आते। ये कह रही थी पापा जी जब मैं आपके पास सोऊं ना तो मुझे बुरे सपने नहीं आते भूत वाले। मैं भूत की तो कनपट्टी छेद दूंगा मैं, गुद्दी पे मारूंगा भूत को नहीं फटकने देने का आसपास। तो भाई फिर से हमारे बेबी, हमारा बेबी जो है 4 साल का हो गया है, और अब ये 5वें साल में लगेगा। तो इसको बहुत शुभकामना, इसकी लंबी उम्र की कामना भगवान से, और बहुत बड़ी प्रार्थना। चलो अब सो जाने देते हैं इसे।